So, hello everybody, this is Yuvam Rakhlu so, back again with a new video on a video series of CHR and Nigeria for sciences. So, in this video, after a huge request of you guys, I am back with medium earth orbit. So, uh, my previous video is on low earth orbit. So, have a look, I will give you the link in the description. And this is all about medium earth orbit. So, without wasting a time, let's start. So, here we can see that there are three different bands the first band which is close to the earth is all about leo here we have iss already discussed in the previous video have a look on that and uh, this leo is up to uh, 2000 kilometer from mean sea level and then uh, from 2000 kilometer till 35786 kilometer we have mio so we will discuss about this one this is huge in comparison with leo and Hio. heo stands for High earth orbits. Okay, so here we have this geostationary satellites, geosynchronous satellites. While in a case of this MEO, we have mainly navigational satellites, global navigational satellite system, GNSS. Okay. Now if you compare the distance of moon with respect to all these regions, you can see the moon is at 3 lakh 84,000 kilometers. So by the way, this this is not on the scale. Okay, so it is very far, very far. Okay, now let's compare over here. This is our Earth. Here we have distance, radius of orbit in kilometers. Okay, in kilometers. So if you see the very first thing which is close to the Earth is ISS, which is at some 400 kilometers above the Earth. Okay, and uh, as per the physics, we know the orbital velocity.

the orbital velocity will decrease okay so here it's 27 days to to complete one complete circulation okay and for iss it is only 100 minutes so 100 minutes matlab, uh, okay above that we have this hubble telescope again it is a part of leo iss is in leo hubble telescope is basically for deep space research लेक्सीज को अदर स्टार कॉन्स्टिलेशन को देखना है फॉर देट वी यूज दिस हवल्ड टेलीस्कोप एंड देन वी हैव इेडियम सेटेलाइट कॉन्स्टलेशन इट इज ऑल पार्ट ऑफ लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट विच इज फ्राम मीनसी लेवल टू टू थाउजेंड किलोमीटर सो टिलियो टू थाउजेंड किलोमीटर फ्रॉम मीनसी लेवल वी हैव दिस लियो थिंग ओके ना फ्रॉम टू थाउजेंड टू समर्टी सिक्स थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी सिक्स किलोमीटर वहाँ तक हमारा है नियो.

बट नाविक इज नॉट जी एन एस एस इट्स नॉट ग्लोबल ओके पॉइंट टू बी नोटेड नाविक इज फॉर साउथ ईस्ट एशिया ओके साउथ ईस्ट इंडिया साउथ ईस्ट एशिया फुल साउथ ईस्ट एशिया का कवरेज देता है नॉट ओनली इंडिया इवन पाकिस्तान चाइना बर्मा म्यांमार और बांग्लादेश श्रीलंका ये सारा कवरेज देता है ओके सो फॉर सिक्यूरिटी पर्पज हम लोगों ने यह डेवलप किया है क्योंकि यू गैज ऑलरेडी नो ड्यूरिंग कारगिल वार जी पी एस का हेल्प नहीं दे रहे थे दैट अमेरिकन गवर्नमेंट वो लोग हमको हेल्प नहीं दे रहे थे हम लोग को सो दैट्स वाई विद डैट की फ्यूचर में तो जरूरत पड़ेगा सो वी डेवलप्ड आवर ओन नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम दैट इज नाविक ओके नाविक का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये आ सकता है और इट इज़ ऑलरेडी आस्ट वंस अपन सी एस आई आर एग्जाम सो इसमें टोटल सात ऑर्बिट है होते हैं और टोटल सेवन सेटेलाइट्स होते हैं ओके okay, नाविक में इफ़ वी सी दिस ग्लियो तो Glelio के केस में वी हैव अगेन गलेलियो केस में वी हैव फोर ऑर्बिट्स और हर ऑर्बिट में कुछ आठ आठ ऑपरेशनल सेटेलाइट्स रखे हुए हैं ठीक है वो रिवॉल्व कर रहे हैं अर्थ के चारों ओर एंड देन वी हैव दिस फेमस जीपीएस जो कि जिस पर अपना गूगल मैप्स वर्क करता है सो so, जी के केस में वी हैव लाइक थर्टी टू नंबर ऑफ सेटेलाइट्स Are there, over. Uh, उसमें से सब वर्किंग नहीं कुछ है कुछ वर्किंग है कुछ नॉट वर्किंग है यूज करता है बाइडू इसमें पांच जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है तीस मीडियम अर्थ ऑर्बिट सेटेलाइट हैं तो ऐसा नहीं है इवन कुछ बाइडो uh, के सेटेलाइट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में भी रखा गया ओके सो ना देखो श्योर वी कैन सी दैट इफ वी क्रॉस दिस दिस हाइट

जबकि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज इन द प्लेन, का दर्थ इक्टोरियल ऑर्बिट इज एट सर्टेन एंगल विथ द अर्थ इक्वेटर ओके सो दिस इज द मेन डिफरेंस बट इवन अटेशनरी सैटेलाइट इज कंसिडर्ड एज जियो सिंक्रोनस जियो सिंक्रोनस okay. so, का मतलब होता है जो

किसी भी लोकेशन पर जैसे दिल्ली में आ रहा है तो वो तभी आएगा जब सनलाइट यहाँ सबसे ज्यादा हो यानी एग्जैक्टली ऑन द मिड नून मिड नून के टाइम पर कुछ 12 बजे सबसे ज्यादा सन की इंटेंसिटी होती है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सन सिंकोना सेटेलाइट विल बी एब दिल्ली ओके तो वो जहां भी पास करेगा ना वहां उस समय सबसे हाई इंटेंसिटी सनलाइट होगा मतलब नून टाइम होगा ओके okay. और ये इसलिए उसमें उसको बनाया जाता है सन सिंकोना सेटेलाइट को कि क्योंकि इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट इट कैन टेक फोटोज

रिमेंबर रोटेट अर्थ रोटेट कर रहा है उतने टाइम में ये रिवॉल्व कर रहा है ओके सो दिस इज योर ऑर्बिट मतलब एग्जैक्टली exactly अगर आप इसमें रखोगे कोई भी सैटेलाइट को तो अर्थ के साथ सिंक हो जाता है बट अगर इसके ऊपर जाते हैं तो हम लोग ग्रेवियर्ड ऑर्बिट में चले जाएंगे सो so, ग्रेवियर्ड ऑर्बिट इज वॉट जहां नॉन uh, फंक्शनल जो फंक्शन नहीं कर रहे हैं सेटेलाइट जो जिनकी टाइम कंप्लीट हो चुकी है सर्विस टाइम सब सब सेटेलाइट का एक होता है टाइमिंग टाइम दिन तक ये सर्विस देंगे एंड आफ्टर दैट इट इट वॉन्ट वर्क क्योंकि सी ओवर देयर इन द स्पेस वी हैव स्ट्रॉन्ग रेडिएशन कमिंग थ्रू द सो सन देन कॉस्मिक रेडिएशन आर देयर और जो हमारे सेटेलाइट में सेंसर्स में चिप्स होते हैं ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये आफ्टर फ्यू मंथ्स वो बेकार हो जाते हैं लाइक फ्यू मंथ्स कुछ ईयर कुछ 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 दस दस साल बीस बीस साल तक चलते हैं सो आफ्टर दैट धीरे 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 वो वर्क नहीं करते हैं सो so, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक like, डिवाइस होती हैं उनकी एक टाइमिंग होती है राइट right? उसके बाद वो वर्क नहीं करते सो इट्स लाइक दैट वन तो वैसे अनयूज सेटेलाइट को हम लोग क्या करते हैं ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डाल देते हैं अब एक क्वेश्चन आता है कि हम लोग उनको अर्थ पर वापस भी तो ला सकते हैं बट दैट विल बी वेरी यू कैन से एक्सपेंसिव थिंग क्योंकि आपको थर्टी सिक्स थाउजेंड हम

जस्ट पुट आउटसाइड द बैंड आउटसाइड द जियो बैंड तो क्या हो जाएगा वो ग्रेवियार्ड रीजन में चल जाएगा रेस्ट इन पीस हो जाएगा वो सेटेलाइट ओके सो सारे सेटेलाइट को जियो स्टेशनरी और वाले को इधर ले आते हैं अब जो लियो में है वो ऑलरेडी अर्थ के एटमोसफेयर में जब इंटर करेगा इतने ज्यादा फ्रिक्शन है देन इट विल सेल्फ डिस्ट्रॉयड और मोस्ट ऑफ द टाइम मोशन में गिरता है कभी कभी ऐसे इंसिडेंट्स हैं जब वो ऐसे शहरों में भी गिरे ओके तुम ये सोचो कि राइट right नाउ अगर सारी स्पेस डेवरीज को देखा जाए विथ जो कि अर्थ के चारों ओर अभी आसमान में घूम रहा है सोचो ऑल ऑफ सडन ग्रेविटी खत्म हो जाए जीरो क्या होगा सारे सेटेलाइट एकदम से हर जगह मोस्ट ऑफ द जगह वो मोशन में ही गिरेंगे बट यस शहर में क्या पता किसी के छत पे गिर जाए घर तोड़ के गिर जाए लाइक दैट इज इज अमेजिंग राइट सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस थिंग मीडियम दो हजार किलोमीटर से और जाता है कहाँ तक थर्टी फाइव थाउजेंड सेवन हंड्रेड एटी सिक्स किलोमीटर अब ये इसका जो ऑर्बिट का टाइम होता है वो दो घंटे से चौबीस घंटे के बीच में कुछ भी हो सकता है वी ऑल्सो नो दैट अकॉर्डिंग टू केपलस थर्ड लॉ कि जो टाइम पीरियड होता है वो परपोसनल होता है रेडियस के राइट right? तो जितने ज्यादा आप दूर जाओगे उतनी आपकी टाइम पीरियड बढ़ती जाएगी सो so, ये देखो जैसे आई एस एस कुछ हंड्रेड मिनट्स में कर रहा है मून को लग जा रहा है ट्वेंटी सेवन डेज वैसे ही अगर जीपीएस है तो जीपीएस का देखो टाइमिंग कुछ दस से पंद्रह घंटे के बीच में कुछ बारह घंटे एग्जैक्टली exactly होगा बारह घंटे के आसपास ये तेरह घंटे लाइक दैट सो डिफरेंट हाइट्स पर यू विल गेट डिफरेंट टाइम पीरियड बट अगेन एक चीज और फॉर्मूला याद रखो कि जो वेलोसिटी होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ओके सो जितने ऊपर जाओगे वेलोसिटी कम हो जाएगा

ना इट इज़ इन हीवी यूज क्यों हैवी यूज में क्योंकि इट सोस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ अगर आपको सपोज लियो में आ, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ सेटेलाइट्स को बढ़ाना पड़ता है बिकॉज इट इज़ क्लोज टू द अर्थ अगर आपको किसी चीज़ को देखना है अगर सोचो समोन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ दिस रीजन यहाँ कुछ है सेटेलाइट तो उसका जो व्यूइंग एंगल है वह बहुत कम होगा बट वही अगर हम और दूर से देखें तो व्यूइंग एंगल बढ़ जाएगा ना सो जितने ऊपर जाओगे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स उतने कम यूज करने होंगे टू टू रिमोटली सेंस द अर्थ ओके जैसे जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होते हैं उसमें सिर्फ तीन सेटेलाइट को रखो 120 डिग्री के एंगल पर इट विल इट विल सिंपली कवर द होल अर्थ सिर्फ तीन सेटेलाइट इज क्वाइट इनफ बट एट द सेम टाइम सिंस यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द अर्थ द द दैंड विर्थ विल डिक्रीज द पिक्सल साइज विल डिक्रीज क्वालिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज ओके सो दैट विल बी द थिंग लेटेंसी होगा क्योंकि बहुत दूर है ना तो डेटा विल टेक ह्यूज टाइम टू टू गो एंड देन फाइनली कम्स बैक द सेंसर सो दिस इज द थिंग अब ये जो मियो है ये हेवी यूज में इसलिए क्योंकि इट इज सोइंग प्रॉपर्टी ऑफ लियो एट द सेम टाइम इट इज सोइंग प्रॉपर्टी क्लोज टू द जियो अगर यहां कोई सेटेलाइट रखते हैं तो इट विल सो द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन अगर यहां रखते हैं तो इट विल सो द प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन सो दैट्स वाई देर इज अ ह्यूज स्पेस इन स्पेस एंड बेसिकली इन मियो मियो में बहुत ज्यादा स्पेस है यह बहुत नैरोज वेरी नैरोजर क्या है हमने पहले भी इन लियो में बता दिया है कि देर इज समिंग कॉल्ड वेन एल एंड रेडिएशन बेल्ट सो हाईली मैग्नेटिकली चार्ज रेडिएशन जोन होता है अर्थ के चारोर एंड इट इज इन द डोनट से प्लाइक स्ट्रक्चर डोनट से प्लाइक स्ट्रक्चर होता है इट इज है बेसिकली एक इनर बेल्ट है एंड देर इज अनादर कॉल्ड आउटर बेल्ट सो इनर बेल्ट इज यू कैन से क्लोज टू द अर्थ एट द सेम टाइम इट इज मोर चार्ज दैन द आउटर रेडिएशन बेल्ट ओके एंड ये दोनों जो बेल्ट है ना ये बेल्ट लाई करते हैं इन मीओ रीजन ऑफ मीओ टू थाउजेंड से थर्टी सिक्स थाउजेंड के बीच में ये बेल्ट लाई करते हैं सो दैट द रीजन वाई जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो मीयू में नहीं रखा गया इट इज इन लियो क्योंकि इट इज बिलो दिस वेन एलेन रेडिएशन बेल्ट वेन एल एन रेडिएशन बेल्ट में इवन जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे जो भी सेंसर्स होते हैं वो उनकी टाइम पीरियड उतनी ज्यादा नहीं होती उतनी लाइफ ज्यादा नहीं होती ओके okay, हमारे जो आज भी सेंसर्स यूज हो रहे हैं यहाँ देख सकते हो दे आर इन नैनोमीटर टेक्नोलॉजी इनमें है इसमें नैनो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है नैनोमीटर में है वो सारे ट्रांजिस्टर चिप्स अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के जब कांटेक्ट में आते हैं एवली चार्ज पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं इनके बाइनरी लेवल पर इनके ये चेंज हो जाते हैं कोर्स चेंज हो जाते हैं ऑन ऑफ हो सकता है कैन पॉसिबल बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं बेकार हो सकता है क्योंकि मैग्नेटिक चार्ज इज ऑलरेडी हैविंग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड से राउंडेड और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसका भी एक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड होगा राइट सो अगर स्ट्रॉग इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा राइट सो so, इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो भी सेंसर्स वहाँ भेजते हैं उस पर मल्टीपल लेयरिंग की जाती है सो यू कैन सी द फोर्थ पॉइंट सेटेलाइट सील्डिंग इज नीडेड सो वी यूज मल्टीपल लेयर्स ऑफ एल्यूमिनियम गोल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल कार्बन फाइबर ऐसे ऐसे डिफरेंट मटेरियल्स का यूज करते हैं टू सिंपली प्रोटेक्ट द इंटीरियर ऑफ दिस दिस चिपसेट चिपसेट के इंटीरियर को हम तो लोग प्रोटेक्ट करने के लिए जैसे देखो अर्थ को प्रोटेक्ट बहुत से लेयर कर रहे हैं ना बहुत से रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है ओजोन लेयर यूवी को रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है सो इट्स लाइक दैट वन इंटीरियर में जो भी सेंसर्स वर्क करते रहे इसके लिए हम लोग डिफरेंट लेयर्स लगाते हैं जैसे गोल्ड को लगाते हैं टू रिफ्लेक्ट बैक आई आर इससे आई आर रेडिएशन अंदर नहीं जाएगा और डिवाइस गर्म नहीं होगा सो लाइक दैट सो इसीलिए हम लोग जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करते हैं दैट इज रेडिएशन हार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ओके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप किया गया जो वैसे रेडिएशंस में इतने हाई uh, फ्रिक्वेंसी वाले वेब लो लो हाई फ्रिक्वेंसी वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और लो वेब वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैगनेटिक रेडिएशन को ईजीली सर्वाइव कर सके ओके सो दिस इज द डेंजर एंड एक चीज़ और तुम बोलोगे कि ठीक है लियो तो नीचे है लियो में आई एस एस है वहाँ ह्यूमन सेफ है क्योंकि वहाँ रेडिएशन पॉइजनिंग नहीं हो रही है मतलब आई एस एस में तो थ्रू आउट द ईयर लोग रहते हैं राइट सो वॉट अबाउट जो लोग अपोलो मिशन से चांद पे गए होंगे तो चांद पर जब लोग जा रहे होंगे तो वो इसी को क्रॉस करके जाएंगे ना मियो को तो उनको तो पॉइजनिंग हो सकती थी राइट द रेडिएशन इज वेरी ह्यूज इतना ज्यादा इंटेंसिटी है जो जो एक लिमिट होता है हम लोग हम लोग भी रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आते हैं एक्सरे हम लोग करवा रहे हैं उसमें रेडिएशन एक्सरे बॉडी के अंदर जा रहा है बट वेरी मतलब लेस अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो अंदर जा रहा है एट द सेम टाइम उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है बट इन स्पेस वहाँ तो चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड है राइट right? वहाँ वहाँ बहुत ज़्यादा ही उसकी ये है इंटेंसिटी है रेडिएशन की एंड देन चूँकि डिस्टेंस बहुत बड़ा है रेंज देखो मियो का रेंज बहुत बड़ा है ये वैन एल एन रेडिएशन बिल्ट बहुत बड़ा है तो हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए उसमें इंटर करेंगे ना तो वो तो अफेक्ट कर सकता है सो यस द थिंग इज़ कि हम लोग जो भी पेलोड्स रखते हैं और इवन हम लोग खुद जब जाते हैं टू दिस मून एंड ऑल तो हम लोग क्या करते हैं कि इवेन दैट रॉकेट ओके दैट रॉकेट इज इज कवर्ड विद दिस सिल्डिंग थिंग्स ओके उसको भी कवर किया जाता है ताकि रेडिएशन कम से कम ह्यूमन्स को ट्रैव कर सके एंड देन इवेन वी आर इन दिस थिंग नो हम लोग सूट्स में होते हैं और ये वो सब छोड़ो जो स्पीड होता है दैट इज़ वेरी यूज इतने फास्ट मतलब हम लोग स्पीड से निकल जाते हैं मीओ से कि वी आर मैक्स टू मैक्स फ्यू मिनट्स ही उसमें रह पाते हैं मीओ में और उसके बाद हम लोग उसको छोड़ देते हैं सो so, इसीलिए इवन इफ इतने ज़्यादा रेडिएशन है आउटसाइड वी आर प्रोटेक्टेड इनसाइड दैट पर्टिकुलर रॉके ओके ना वट इज द यूज ऑफ दिस यूज देखा जाए तो फर्स्ट थिंग इज इट इज़ यूज इन नेविगेशन सिस्टम मैंने बताया था ग्लोबल नेविगेशनल सेटेलाइट सिस्टम में इसका यूज किया जाता है uh, यहाँ जितने भी हम लो लोग ग्लोबल नेविगेशन और सेटेलाइट सिस्टम यूज कर रहे हैं चाहे जी पी एस हो गलियो हो ग्लोनास बाइडो या नाविक इट इज़ हैविंग डिफरेंट हाइट्स यहाँ तुम फर्स्ट फोटो में देख सकते हो हाइट इज़ नॉट सेम ओके जैसे कि फॉर जी पी एस इसका हाइट है बीस हजार एक सौ अस्सी किलोमीटर रशियन का है उन्नीस हजार एक सौ तीस किलोमीटर चाइना इक्कीस हजार में इवन हम लोग नाविक थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स पे रखे हुए हैं यानी लिटरली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखे हुए हैं सो so, अगर आप एक चीज देखोगे कि मोस्ट ऑफ दीज आर इन मियो मियो में रखने का फायदा क्या होता है कि यहाँ जो ऑर्बिटल पीरियड है अगर एग्जैक्टली exactly हम लोग बीस हजार दो सौ किलोमीटर की ऊंचाई पर रखते हैं तो ये बारह घंटे का इसका ऑर्बिटल पीरियड होता है टेम्पोरल वेरियाबिलिटी आवर्स सो हर बारह घंटे के बाद वो सेटेलाइट वहां आएगा ठीक है अब हम लोग जब भी ऐसे सिस्टम को डिप्लॉय करते हैं इन द ऑर्बिट्स वी पुट मोर सेटेलाइट देन यूज जैसे सपोज चौबीस सेटेलाइट काफी है तो हम लोग बैकअप के लिए चार और एक्स्ट्रा रख देंगे सो दैट इन केस अगर ये इनमें से कोई एक खराब हो जाए तो बैकअप वाला वहाँ ये करेगा और एक चीज़ और कि हम लोग समटाइम्स वी यूज मोर सेटेलाइट जैसे कि अगर सपोज चौबीस चाहिए तो हम लोग छब्बीस रख दिएगा छब्बीसों ऑपरेशनल है तो समटाइम्स क्या होता है कि ओवरलैप करेगा एक ही सेटेलाइट में जैसे जीपीएस के दो सिम इट एक जगह पे ओवरलैप कर रहे हैं तो डेटा थोड़ा और अच्छा मिलेगा बट वाट जीपीएस और ओवरलैप करने लगे तो प्रॉब्लम हो सकता है ना क्योंकि दोनों का थिंग्स आर डिफरेंट एक को नासा डेवलप कर रहा है एक को यूरोपियन स्पेस एजेंसी डेवलप कर रहा है राइट सो थिंग्स आर डिफरेंट डेटा इंटरफियर होगा तो नॉइज आने लगेगा राइट right? इसी के कारण हम लोग डिफरेंट हाइट्स पे रखते हैं एंड दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर अभी मैंने हाइट बताया राइट right? हाइट इनका डिफरेंट है हाइट इज डिफरेंट उनका जो टेम्पोरलिटी है इट इज नॉट ऑल्सो सेम इट इज ऑल्सो डिफरेंट ओकेम्यशन कॉम्युनिकेशन के लिए वी कैन यूज दिस थिंग दिस मी एंड जियोडेटिक एंड स्पेस साइंस जियोडेटिक मतलब आपको प्लेटेक्टोनिक्स मूवमेंट देखना है सो अगर आप लियो में कोई ऑर्बिट इसको रख रहे हो सैटेलाइट को रख रहे हो तो वो इतने बड़े ह्यूज प्लेट्स का मूवमेंट इजीली नहीं देख सकता राइट right? आप जीपीएस से ही आजकल हम लोग कोई भी ये चेंज मतलब नेविगेशन के लिए यूज करते हैं राइट right? कि गाड़ी मूव कर रहा है तो हम लोग वी कैन लिटरली सी इन गूगल मैप्स की ये कितने स्पीड से मूव कर रहा है गाड़ी वैसे ही द सेम टेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड ऑन द जाइगेंटिक प्लेट्स तो प्लेट्स मूव कर रहे हैं वी हैव डेटास जो हम लोग को एग्जैक्टली exactly बता दे रहा है कि ये कितने मिलीमीटर एक रेफरेंस पॉइंट से कितने मिलीमीटर mm के रेट से ये टुवार्ड्स ईस्ट या वेस्ट या साउथ जा रहा है सो so, जियोडेटिक चीज़ों में यूज होता है देन स्पेस साइंस सपोज यू वांट टू स्टडी हाउ द कॉस्मिक रेडिएशन इंट्रैक्ट्स विद आवर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हाउ सोलर रेडिएशन इंट्रैक्ट्स विद अर्थ मैग्नेटिक फील्ड हाउ वैन एल रेडिएशन बेल्ट वर्क उसके लिए हम लोग को क्या चाहिए मियो चाहिए क्यों क्योंकि यही वो रीजन है जहां रेडिएशन बिल्ट है यही रीजन में सोलर रेडिएशन या कॉस्मिक रेडिएशन इंट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ सो दैट वी नीड राइट सो इसीलिए मियो में हम लोग डिप्लॉय करते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ रिसर्च ना इकोनॉमिक्स देखते हैं सो so, uh, देखो इकोनॉमिक होना जरूरी है देन ओनली इट इज यूजफुल राइट अब सोचो कि स्टारलिंग uh, प्रोजेक्ट है इलोन मस्क राइट अब इस प्रोजेक्ट में वो चार हजार सेटेलाइट्स को डिप्लॉय करने वाले हैं लियो में ठीक है फॉर इंटरनेट ओके अभी जो हमारा इंटरनेट है दैट इज बेस्ड ऑन सी केबल्स सी केबल से इंटरनेट के डेटा ट्रांसफर होते हैं थ्रू आउट द ग्लोब बट वो क्या चाहते हैं कि वट इफ हम लोग हवाई जहाज में बैठे हों या समुंद्र के बीचों बीच हो वहाँ इंटरनेट चलाना होगा तो क्या करेंगे वहां तो कोई टावर नहीं है वहाँ कोई सर्वर रूम नहीं है सो वॉट वी कैन डू इज स्पीड ऑफ दिस फाइबर ऑप्टिक केबल्स अंडर वाटर केबल्स वी कैन यूज डायरेक्ट सिग्नल्स फ्राम सेटेलाइट तो उन्होंने चार हजार सेटेलाइट्स को डिप्लॉय करने वाले लियो में उससे हम लोग को इंटरनेट मिलेगा फास्टर मिलेगा और एवरी प्लेस ऑन द अर्थ ग्लोबल कवरेज होगा उसका ओके डजेंट मैटर कि आप कहाँ वो कवर देगा अब देखो ये तो लियो के लिए क्यों नहीं वो मीओ में रख देते हैं मीओ में अगर रखेंगे एक तो बेनिफिट होगा कि नंबर ऑफ सेटलाइट को कम कर देंगे चार हजार के जगह अब उनका काम दो हजार पे ही हो जाना चाहिए ओके okay, बट देखो हो तो जाना चाहिए बट एट सेम टाइम जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी क्योंकि अब वो ज्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल करके आ रहा है तुम देखो अगर तुम्हारे एरिया में बहुत से टावर है तो तुम्हारा इंटरनेट बहुत फास्ट चलता है और तुम्हारे एरिया से बहुत दूर टावर है तो स्लो चलता है इनवर्स स्क्वायर लॉ जितने ज्यादा डिस्टेंस बढ़ेगा हम लोग जानते हैं इनवर्स स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर तो हर आर स्क्वायर पर उसका इंटेंसिटी कम होते जाएगा तो बाय द टाइम इट विल रीच टू यू उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी हर एक मीटर पर सोचो स्क्वायर हो जा रहा है हर एक मीटर पर ओके okay. सो so, इसीलिए हम लोग लियो में ही रखते हैं लियो में भी वर्क करेगा नो डाउट बट वही थोड़ा जो स्पीड होगा जैसे अब हम लोग स्पीड e एम में मेजर कर रहे हैं तो एम उसका कम हो जाएगा ओके okay. सो लेस सेटेलाइट नीडेड देन लियो एक चीज़ है अगर आपको इंटरनेट नहीं चलाना है अदर कोई चीज़ें करनी है तो आप mio का यूज़ कर लो सेटेलाइट कम लगाना पड़ेगा कोई देखो नंबर ऑफ सेटेलाइट ज़्यादा बढ़ेंगे तो भाई सिंपली आपका प्राइस बढ़ जाएगा राइट ज़्यादा नंबर ऑफ लॉन्च करने पड़ेंगे सो so प्राइस बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि प्राइस में रिडक्शन करने के लिए वी कैन यूज दिस मीओ इंस्टीड ऑफ लियो ओके दैन चीपर दैन जियो ये सस्ता भी है देखो जियो जो भी सेटेलाइट्स भेजे जाते हैं ना जैसे इंडिया में जी सेट जी सेट अभी हम लोग स्पाई करने के लिए भेजे हैं सेटेलाइट्स ओके तो ये जो जी सेट सीरीज़ है ये बहुत ही महंगा है इसको आप पी से नहीं भेज सकते जी एस इसके लिए यूज करते हैं जियो स्टेशनरी लॉन्चिंग व्हीकल्स ओके वो उसमें भी आ, डिफरेंट हैं जीस, इसमें जी एस एल वी में जैसे जी एस एल वी मार्क थ्री अभी मार्क फोर डेवलप होने वाला है सो so, ऐसे करके बहुत से लेवल्स हैं सो बेसिकली इनकी इन ये बढ़ने लगती है लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है सो सपोज यू वांट टू पुट से फाइव टन दिस थिंग टन का ये है पूरा रॉकेट तो उसमें आपका जो पेलोड होगा पेलोड बेसिकली वो पार्ट होता है रॉकेट के ऊपर जिसमें सारे सेंसर्स होते हैं ओके okay. तो ये पेलोड को हम लोग सपोज पाँच सौ के का है और बाकी साढ़े चार टन इज़ योर रॉकेट रॉकेट में क्या है फ्यूल है। और रॉकेट में भी डिफरेंट स्टेजेस होते हैं जैसे कि अब जी एस है तो जी में थ्री स्टेजेस होते हैं तो सबसे पहले गैस होता है बर्न होता है एंड देन लिक्विड स्टेट एंड देन क्रायोजेनिक स्टेट तो हर स्टेट पर रॉकेट ब्रेक करके और फाइनली अर्थ एटमोसफेयर में गिरने लगता है एंड इस तरह से पेलोड को ऊपर भेजा जाता है और जैसे ही पेलोड जाएगा और पेलोड में भी उसके अंदर भी लगे होते हैं द सोलर प्लेट्स आर देयर एंड देन इट हैज़ ओन लिफ्टिंग मैकेनिज्म जो कि उसको ऑर्बिट में डिप्लॉय करता है ओके सो जियो से ये सस्ता इसलिए है क्योंकि यहाँ डिस्टेंस कम ट्रेवल करना है यू कैन पुट एट से 2200 किलोमीटर पर भी रख दोगे तो वो मियो का पार्ट है अब तुमको इतने बड़े रॉकेट का उसके लिए ज़रूरत नहीं है उसके लिए ज़्यादा फ्यूल जरूरत नहीं है इवन इस इवन दिस अब जैसे तुमको लियो में रखना है तो हम लोग सीधे पी एस एल भी, भी यूज करते हैं सस्ता पांच से दस से, करोड़ क्वाइट इनफ एक सेटेलाइट को डाल दो लेकिन वही तुम जब जी एस एल वी का यूज करोगे तो उसके लिए वो दो सौ करोड़ पहुंच जाएगा सो दिस इज द डिफरेंस समझ रहे हो ना मीओ इन बिटवीन है मोर ऑप्शन थर्ड पॉइंट मोर ऑप्शन क्यों मोर ऑप्शन है भाई क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। सो इट कैन गिव यू द सिमिलर काइंड ऑफ डेटा लाइक लियो और हीओ की तरह भी ये चीज़ें दे सकता है ओके सो इट कैन बी यूज इन कम्युनिकेशन एज वेल एज वेदर फॉरकास्टिंग के लिए जो भी सेटेलाइट यूज करते हैं उसके लिए भी यूज हो रहा है एंड इवन ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम अगर तुमसे मीयो पूछा जाए तो याद रखना जी एन एस एस के लिए मेन यूज है इसका वैसे लियो का मेन यूज़ क्या है फॉर स्पाई फॉर गूगल फोटोज़ को लेने के लिए गूगल जो गूगल अर्थ है उसके जो फोटोज की होती हैं वो यूज करता है कार्टोसेट्स मतलब कार्टोग्राफी के लिए मैप्स बनाने के लिए इवन वेदर स्टडीज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं और जो तुम्हारा ही है इट इज़ यूज फॉर कम्युनिकेशन इट इज़ यूज फॉर ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल ओके फोर्थ ऑप्शन इज लोअर लेटेंसी लोअर लेटेंसी इसका क्यों है क्योंकि ये जियो की तरह बहुत ऊंचाई पर नहीं है तो सपोज आप सेटेलाइट बेस्ड पेमेंट सिस्टम का यूज कर रहे हो ओके सेटेलाइट बेस्ड पेमेंट सिस्टम आपने अपना पासवर्ड डाला अब वो पेमेंट प्रोसेस हो रहा है पेमेंट प्रोसेस होने से पहले हम लोग को आता है ओ टी पी ओ टी पी आता है थ्रू से सेटेलाइट के थ्रू आ रहा है ओ टी पी अब वो ओ टी पी जब सेटेलाइट के थ्रू आएगा अगर सेटेलाइट को हम लोग जी जी एस एल वी में इसमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट में रखते हैं ऑर्बिट में रखते हैं तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है राइट आप यहाँ से पेमेंट ऑप्शन खोले आपने पेमेंट लिखा अब वो जाएगा रिक्वेस्ट सेटेलाइट के पास सेटेलाइट अर्थ पर सर्वर रूम से कनेक्ट होगा वहाँ अर्थ पर सर्वर रूम सपोज मास्टर कार्ड का पेमेंट है तो अर्थ का सर्वर रूम मास्टर कार्ड से ओ जनरेट किया फिर से वो सेटेलाइट को भेजा और फिर से वो सेटेलाइट आपके मोबाइल में आ रहा है सो so उसको चार बार ट्रेवल करना है थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स फोर सो इट विल टेक मोर टाइम नो तो कुछ गैप आ जाएगा आपको आप सोचो आप में कोई है उससे, उसका यूज़ सौ कॉलिंग, कॉलिंग तो से पांच, मतलब मिली सेकेंड या एक हजार मिली सेकेंड के बाद हेलो सुनाई दे रहा है हेलो। गैप, 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 हाँ। क्या कर रहे हो? फिर थोड़ा सा रुको ऐसे ऐसे होगा टेक्स्ट मैसेज नहीं हो रहा लाइव चल रहा है जब भी हम लोग लाइव मैच देखते हैं स्टेडियम में उसी समय अगर सेम मैच को मोबाइल पर देखोगे लाइव तुम मोबाइल पर तुमको थोड़ा सा लेटेंसी मिलेगा इट विल टेक लाइक फ्यू सेकंड्स अगर कोई आउट हुआ तो इस पर कुछ सेकेंड बाद आउट होते लोग क्यों हो रहा है क्योंकि ये जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है इट इज इन इट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट थर्टी सिक्स थाउजेंड किलोमीटर सो वो सिग्नल्स को आने में टाइम लग रहा है दिस इज द रीजन MEO के केस में लेटेंसी कम है क्योंकि ये GEO स्टेशन से नीचे है ओके okay. फ्यूचर देख सकते हैं इसका देखो फाइबर स्पीड एंड सैटेलाइट रीच अब नो no डाउट इसका फाइबर स्पीड LEO से कम ही होगा बट GEO से ज्यादा होगा ओके सैटेलाइट रीच अब आपको सपोज सैटेलाइट कॉलिंग करनी है आपको कम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स ही चाहिए फॉर दैट पर्पस तो आप MEO को चूज कर सकते हो अब देखो ये ऐसा नहीं है कि मतलब हैंड टू हैंड या पर पर्सनल यूज़ के लिए सिंगल पर्सन यूज़ के लिए मीओ का यूज़ नहीं करते हैं फॉर सेटेलाइट कॉलिंग और सेटेलाइट इंटरनेट जब आपको एक पर्टिकुलर क्राउड को देना है बहुत से सौ लोगों को दो सौ लोगों को प्रोवाइड करना है देन वी यूज़ दिस एंड दैट इज़ कॉल्ड ट्रंक कनेक्शन सो ट्रंक कनेक्शन में हम लोग ज़्यादा बड़े क्राउड्स को यूज़ कराते हैं इन अ गिवेन प्लेस सो जैसे जैसे आप क्रूज़ पे हो या एयरप्लेन में हो तो लोग एरोप्लेन में जाते हैं तो वहाँ बहुत से एरोप्लेन में तो बंद करवा देते हैं लोग लाइक एरोप्लेन मोड पर डालने को बोलते हैं बट नाव बिस्तारा जैसी कुछ हैं कंपनीज और बाहर की कंपनीज हैं जो वहाँ भी वाईफाई प्रोवाइड करा रही है ओके okay, तो कैसे प्रोवाइड करा रही है थ्रू मीओ मीओ इज़ देयर फॉर योर हेल्प क्योंकि इंस्टाग्राम इज इम्पोर्टेंट राइट आप प्लेन में हो क्रूज़ में हो सबसे इंपॉर्टेंट है <laughs> क्लाउड इंपॉर्टेंट नहीं है बाबा इंस्टाग्राम इंपॉर्टेंट है लाइव आना है राइट रील्स बनाने हैं एरोप्लेन में भी सो so, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मियो ओके इवन अगर आप सोचो कि आप युद्ध कर रहे हो वॉर जोन में हो सो यू वांट समथिंग विच इज़ सिक्योर्ड सिक्योर्ड कनेक्शन चाहिए राइट right? तो so, उसके लिए हम लोग फिर सेटेलाइट फोन का यूज़ करते हैं एंड वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं मियो को इसकी लो लेटेंसी है मैंने पहले ही बता दिया लेटेंसी इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू जियो एंड हाई बैंड विथ एज कम्पेयर टू जियो बैंड विथ फास्ट स्पीड देगा जियो के कंपेरेटिवली सो दैट्स इट फॉर द टूडे होप यू लाइक द वीडियो और अगर इस वीडियो पर लाइक्स बहुत ज़्यादा हैं एटलीस्ट सौ तो कर दो यार इतना तो कर ही सकते हो देखते हैं लोग बहुत लेकिन लाइक नहीं करते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो कर दो ना क्या जा रहा है अगर करते हो आई विल मेक द थर्ड वीडियो जहाँ मैं जियो स्टेशनरी जियो ऑर्बिट की बात करूँगा उसके बाद ट्रांसफर ऑर्बिट्स की बात करूँगा स्पेस साइंस को पूरा खत्म कर देंगे हम लोग डोंट वरी आई एम हेयर फॉर यू सो चलो फिर दैट्स इट फॉर द टुडे